नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक का वक्त है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन के पहले चरण के आखिरी दिन मजदूरों ने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। मुंबई के बांद्रा से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अहमदाबाद में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्टेशन को खाली कराया है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वहीं आज रात 8 बजे उद्धव ठाकरे राज्य को संबोधित करेंगे। पुलिस ने किया है लोगों पर लाठीचार्ज, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांद्रा की अपने आप में बेहद भयावह ये तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग कैसे इकट्ठे हुए, किस अफवाह के तहत उनको वहां पर बुलाया गया था, आखिर इस बात का भरोसा किसने दिया कि यहां पर पहुंचने के बाद वो अपने अपने गांवों को जा सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से अब से एक घंटे के बाद रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और माना जा रहा है कि उनमें कई सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, उमड़ गई भीड़, लगातार लोग आते हुए चले गए, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ को तितर बितर करने के लिए खाली कराया गया है स्टेशन, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, बांद्रा को जिस जगह ये भीड़ उमड़ी हुई थी उसको हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का वहां पर जुटना अपने आप में बेहद चिंताजनक। ये तस्वीरें दहलाने वाली, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को अपने घर जाने की जल्दी है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन की तस्वीरें हैं ये। लोगों को इंतजार था कि आज लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा तो लोग अपने अपने घरों को निकलेंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि लॉकडाउन बढ़ गया है। जब तक उन्हें मालूम चलता तब तक बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों लाखों की भीड़ जमा हो गई। इतनी भीड़ कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए। आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है और उसमें भी मुंबई। अकेले मुंबई में ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार जा चुका है। ऐसे हालात में ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बहुत भयानक है। तो हमारा काम क्या है, ये तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रांग रहेंगे, रास्ता निकालना है, हमको मालूम है मां-बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है। सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ मुंबई की हम बात करें तो वहां पर 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में, देशभर में सबसे ज्यादा। ऐसे में सवाल यह है कि इन मजदूरों को आखिर किसने बुलाया था, किसकी ये कॉल थी। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बेहद चिंताजनक। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, लाठी चार्ज के बाद क्या स्टेशन खाली हो चुका है, मजदूर वापस लौट गए हैं? जी, तुरंत पुलिस हरकत में आ गई और उसके बाद में थोड़ी ही देर में पूरा जो क्राउड है, लगभग 80-90% क्राउड को वहां से हटाया गया है। स्थानीय नेता भी वहां पर आए थे और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा भीड़ को यहां से हटाने के लिए। लोगों को लगातार अपील की गई वहां पर पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और स्थानीय नेताओं द्वारा भी, कि ये वक्त नहीं है भीड़ करने का, भीड़ जुटाने का। लेकिन एक जो बात सामने उभर कर शायद ये आ रही है, जिसका जाहिर सी बात है पुलिस भी कुछ दिनों में इसकी बात तफ्तीश होगी कि क्या लोगों में ये मैसेज गया था या फिर लोग अपने आप जमा हो गए थे। जिस तरह से आज एंड होना था लॉकडाउन, लोगों में एक मैसेज था, एक भावना थी कि शायद आज ट्रेन शुरू हो जाए, इसलिए माइग्रेंट लेबर ज्यादातर यहाँ पर मौजूद थे। इस बात की भी तफ्तीश होगी, पुलिस इस बात की भी इंक्वायरी करेगी कि क्या क्या क्यों लोग आए थे। लेकिन इस बीच में शिवसेना के बीच में, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में तूतू मैमे शुरू हो गई है, मंत्री आदित्य ठाकरे ने सीधा सीधा निशाना साधा है कि केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है। और अब थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
लोगों को संबोधित करेंगे और शायद इसमें ये एक इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट होगा जिसको कवर करेंगे कि आखिर माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहरी राज्यों से आए हुए काम करने की यहाँ पर काम करने के लिए आए और जिनकी काम की व्यवस्था नहीं, जिनके हाथों को रोजगार नहीं है और लोग लगातार ये तमाम सवाल अपनी तरफ, लेकिन कमलेश सवाल बड़ा ये है 3000 से ज्यादा की तादाद में एक जगह पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई? किन लोगों ने इनको बुलाया था? किन लोगों ने खबर की थी कि अगर आप बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आप लोगों को वापस जाने की सहूलियत का वहां पर पूरा इंतजाम है? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? फिलहाल पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस को लगातार इस बात का अंदेशा पुलिस को शायद उसी वक्त हो गया था जिस तरह से अचानक से भीड़ जमा होने लगी, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म होने का ही लोगों का इंतजार था तो शायद बात यह हो सकती थी कि लोग सुबह से वहां पर जमा होना शुरू हो। प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था वो सुबह 10 बजे ही खत्म हो चुका था, बावजूद इसके लोगों का वहां पर आना। तो इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है कि क्या यह मैसेज सर्कुलेट किया गया था लोगों में, इस बारे में चर्चा थी, या फिर बस 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होना इसी के जरिए लोग यहां पर जमा हो गए थे। इन सारी चीजों की तफ्तीश पुलिस से की जाएगी क्योंकि मामला काफी संगीन है। इतने सारे लोग ऐसे वक्त में जमा होना और बांद्रा की जो झुग्गिया स्टेशन के बाजू में काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड स्लम यहाँ पर है और इसलिए लोगों का इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जमा होना काफी खतरा दे सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर नॉर्म नहीं था, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ गए थे। इसी बात की पुलिस तफ्तीश करेगी, क्या जानबूझकर किसी ने इसमें हरकत की थी या मैसेज जानबूझकर सर्कुलेट किया गया था। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन को जब लॉक कर दिया गया था तो आखिर उसकी धज्जा उड़ाने के लिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कॉल करके या फिर कैसे मजदूरों को यहाँ पर बुलाया गया, अपने आप में ये सवाल बड़ा है। फिलहाल अब से कुछ ही देर के बाद रात 8 बजे जब उद्धव ठाकरे का संबोधन होगा तो मुख्यमंत्री की ओर से मजदूरों को भरोसा कैसे दिया जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कमलेश, लगातार हम तस्वीरें भी मुंबई की दिखा रहे हैं और सवाल यही है कि आज ही 200 से ज्यादा मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 1700 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई में सामने आ चुके हैं और वहीं पूरे महाराष्ट्र की स्थिति बेहद भयावह है। तो ऐसे में इतनी बड़ी गलती, क्योंकि इसका खामियाजा न सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई बल्कि पूरे देश को उठाना पड़ सकता है, इसके लिए कैसे जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी? जी, यह घटना सिर्फ बांद्रा तक ही सीमित नहीं है और लगातार जैसे खबरें आ रही है कि अलग अलग जगह पे इस तरह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। शायद खबरें ये भी आ रही है कि दोपहर के करीब मुंबरा इलाके में भी इस तरह से लोग जमा हो रहे थे, लेकिन वहां पर भीड़ पर तुरंत काबू पाया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी कि क्या पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जहाँ पर गली गली में, हर चौक में, हर नाके पर जहाँ पर पुलिस तैयार है, पुलिस यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है, पुलिस वहां पर आने वाले लोगों का वहां पर जायजा लिया था, लोगों को बिना परमिशन के अपने एरिया को छुड़ा नहीं, एरिया से बाहर नहीं जाने दिया जाता, चाहे वो कंटामिनेटेड इलाका हो या ना हो, बावजूद इसके लोगों को अपने इलाके से बाहर जाने से पुलिस रोक कर रही है। और ऐसे में इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहा, कहीं ना कहीं तो पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठेंगी। ये सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा कि इतने सारे लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं, आखिर किससे ये गलती हुई, मैसेज गया था या नहीं था, उसकी तो तफ्तीश होगी ही, लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ जगह पर आना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो ढिलाई है उस पर भी सवाल उठाती है और इसके बारे में भी प्रशासन जानकारी ले रही है। बिल्कुल, एक साथ लगातार लोग इकट्ठा होते हुए चले गए। बांद्रा वो जगह जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, यानी कि अब जो बेहद संवेदनशील है कोरोना मामलों को देखते हुए, और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ का उमड़ना अपने आप में खतरे को कितना ज्यादा बढ़ा देता है। जरा सोचिए, अगर इनमें से 2-4-10 लोग भी कोरोना से संक्रमित होंगे तो वो अपने साथ कितनी बड़ी आबादी में इस संक्रमण को फैला देंगे, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। इन सबके बीच कमलेश, आदित्य ठाकरे की ओर से ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जो ठीकरा फोड़ा गया है उसको कैसे लिया जाए, क्योंकि 30 अप्रैल तक के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान तो खुद मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई इसलिए हालात इतने खराब हो गए। जी, आदित्य ठाकरे ने सीधा सीधा इस बात को जिम्मेदार ठहराया केंद्र सरकार को और ये कहा है, आदित्य ठाकरे ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अगर इन लोगों की व्यवस्था की होती अपने अपने राज्यों में जाने की तो शायद आज ये स्थिति ना उभरती। लगातार हम इस बारे में कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को पहुंचाया जाए अपनी जगह पर, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई। तो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले का जिम्मा, इस पूरे घटना का जिम्मा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास आऊंगी, मैं चाहूंगी फुल फ्रेम। आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से निशाना साधा है, उन्होंने लिखा है बांद्रा स्टेशन पर भीड़ केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से है, जो घर वापस जाने वाले मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर रही है। आदित्य ठाकरे की ओर से, जो कि मंत्री हैं उद्धव सरकार में, उनकी ओर से लिखा गया है कि प्रवासी श्रमिक भोजन या फिर आश्रय नहीं चाहते, वो घर वापस जाना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे की ओर से लगातार और भी बातें एक के बाद एक ट्वीट करके सीधे सीधे केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई है और ये 3 तस्वीरें आपके सामने है।
कमलेश अपनी बात पूरी करें, आदित्य ठाकरे तो सीधे ट्रेनों को जिम्मेदार मान रहे हैं, उनका निशाना सीधे सीधे केंद्र पर, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद चिंताजनक है लगातार जो मुंबई से तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। कमलेश जी, एक एक चीज आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, जिस वक्त महाराष्ट्र में केंद्र का लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, महाराष्ट्र में कर्फ्यू यहाँ पर घोषित कर दिया गया था, उसी वक्त की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो आज तक ने दिखाई थी। उस वक्त मैं रोकूंगी आपको, ये देखिए ऊपर से ली गई किसी बिल्डिंग से ली गई ऊपर की ये तस्वीरें, आपने देखा कैसे लाठीचार्ज के बाद वहां से तितर बितर होती हुई भीड़ की तस्वीरें अपने आप में बेहद चिंताजनक हालात को बयां करती हैं। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परेशानी का सबब ये भीड़ लगातार बनी हुई थी, लेकिन बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद फिलहाल भीड़ को तितर बितर करने में कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस भरोसे को कायम कैसे करेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, संवादहीनता की स्थिति रह गई, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों का जमावड़ा एक जगह पर लग जाता है और लगातार वहां की भीड़ बढ़ती भी चली जाती है। कमलेश, अब आगे क्या होगा? सभी की नजर इस बात पर कि उद्धव ठाकरे रात 8 बजे क्या बोलेंगे। जी, उद्धव ठाकरे ने लगातार जितने भी एड्रेस किए पिछले कुछ दिनों में, लगातार उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर आश्वासन दे रहे थे कि जो भी मजदूर है बाहरी राज्यों से आए हुए वो अपनी ही जगह पर रहे, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है, भोजन की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। महाराष्ट्र में जो शिव भोजन थाली की योजना है उसे उसका आंकड़ा बढ़ाया गया था, जो उसके रेट थे 10 रुपए में थाली मिलती थी उसे 5 रुपए कर दिया गया था, और लगातार ये अपील हो रही थी। बावजूद इसके अब कहीं ना कहीं सिर्फ अनाउंसमेंट करने की बजाय इन सब भीड़ को काबू में करने के लिए, उन तक एक मैसेज जाने के लिए, उन तक एक अश्योरेंस जाने के लिए, एक आश्वासन, लोग आश्वस्त रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले, ये भी जरूरी, क्योंकि ये सब जो लोग आए थे ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनका रोज डेली वेजेस बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे दर्शक दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। लॉकडाउन से पहले भी ऐसी भयावह तस्वीर सामने आई थी जब सैकड़ों लोग स्टेशन पर घर जाने के लिए उमड़ गए थे, और आज एक बार फिर से लॉकडाउन के आखिरी दिन डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। फर्स्ट लॉकडाउन का आखिरी दिन आज था, और 20 मार्च आपको बता दें 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन फॉलो हुआ पूरे देश भर में, वहीं 20 मार्च 2020 की तस्वीरें आपके सामने हैं और आज की तस्वीरें आपके सामने हैं लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन पार्ट वन के आखिरी दिन लगभग एक जैसी स्थिति। अब सवाल यह है कि आखिर कहां पर कमी रह गई जिसके बाद इस तरह के हालात, मुंबई की सड़कों पर बंदे शुरू हो गए, और सरकार की ओर से गलती कहां पर रह गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुंबई के बांद्रा में प्रवासी मजदूरों की भीड़ ऐसे समय पर इकट्ठा हुई है जब कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से वहां पर फैल रहा है, यहां तक कि पुलिस वाले भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, और इस वजह से ही लॉकडाउन पर ड्रोन से निगरानी का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 2500 के करीब पहुंची तो घनी आबादी वाले धारावी समेत कई झुग्गियों में ड्रोन से निगरानी सख्त कर दी गई। धारावी के अलावा मुंबई की दूसरी बस्तियों में भी ड्रोन से सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का फैसला किया गया है। मुंबई में पहले मुंबई पुलिस के पास छोटे ड्रोन थे, लेकिन कोरोना की जब से महामारी चालू हुई उसके बाद में मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करना चालू किया। धारावी एरिया है या कोलीवाड़ा एरिया है या कोई मार्केट है जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आते हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए इस ड्रोन का वापर मुंबई में चालू हुआ है। ऐसे 5-6 ड्रोन मुंबई में हैं, उसका वापर पूरे मुंबई शहर में चालू हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को हम बता रहे कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 2455 हो चुकी है। पिछले 12 घंटे में 121 नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई में 92 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। धारावी के अलावा वर्ली और कोलीवाड़ा कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया। इन इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल से न केवल लॉकडाउन पर नजर रखी जा सकती है बल्कि पुलिस वालों को संक्रमण से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इन सबके बीच 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ जाने से प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई। बीएमसी ने हेल्पलाइन जारी कर ऐलान कर दिया कि फोन करने वालों को खाना भेजा जाएगा, लेकिन मिर्जापुर के शिवचंद्र को 48 घंटे बाद भी खाना नहीं मिला। उनके राशन नहीं मिला है, हम लोग जो बेदारी काम करते हैं ना, हाँ। राशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहाँ पैसा, कहाँ पाएंगे, पैसा देता नहीं है ना। मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई मदद करे, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे वो खर्च हो गए इनका कहना है, और अब वही चाहते हैं कि जिस तरह से कुछ और इलाकों में खाना पीना का सामान मुहैया किया जा रहा है वही अब इन्हें भी किया।
हालांकि कुछ इलाकों में सामाजिक कार्यकर्ता इन मजदूरों और स्लम में रहने वाले जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो तमाम एहतियाती उपाय तो अख्तियार कर लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बांद्रा में अगर प्रवासी मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद उमड़ी तो उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है और किसके कहने पर इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री रात 8 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। उधर प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग को मुकाम तक पहुंचाने की ठानी है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना ही होगा हर हाल में, इसको खत्म करने के लिए मोदी ने 3 मई तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की आज घोषणा की। लॉकडाउन में कुछ इंडस्ट्री और इलाकों को राहत दी जा सकती है आगे आने वाले वक्त में, और इसके लिए बकायदा गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग के अगले चरण का ऐलान कर दिया। 19 दिन के लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान होने के बाद अब लोगों को 20 दिन और घर में बंद रहना होगा। लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान 24 मार्च को मोदी ने किया था। 21 दिन के इस लॉकडाउन की मियाद आज खत्म हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 15 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। कुल मिलाकर वायरस की चेन तोड़ने के लिए भारत ने जो रास्ता अपनाया है उसमें लॉकडाउन की अवधि 40 दिन की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग किया गया है, तमाम पुलिस के जवान यहाँ खड़े हुए हैं। जो भी यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो एसेंशियल सर्विस है, उनके पूछताछ जरूर की जाती है कि वो किस लिए आ जा रहे हैं। लोगों को साफ तौर से कहा गया है घर के अंदर रहें, बाहर नहीं आना, और बाहर का व्यक्ति भी अंदर नहीं जा सकता। पूरी यहां पर पूछताछ की गई है। 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री के सामने कई चुनौतियां थी, रोजगार, व्यापार और स्वस्थ हिंदुस्तान। लेकिन इस संकट काल में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वही किया जो देश के लिए जरूरी था। उन्होंने 133 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेहत को सर्वोपरि रखा और लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ाने का फैसला किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ इलाकों में सशर्त छूट देने की बात कही। कल इस मामले में गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा, साथ में कोरोना हॉटस्पॉट की 20 अप्रैल तक सख्त निगरानी की जाएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाए। करीब 26 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 7 बातों पर साथ भी मांगा। बुजुर्गों का ध्यान रखें, मास्क या गमछे से मुंह ढकें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें और दूसरों से भी डाउनलोड कराएं, अपने आसपास गरीब परिवार की देखरेख करें, किसी को नौकरी से न निकालें, कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, पुलिसकर्मी सभी का सम्मान करें। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। 40 दिनों का लॉकडाउन देशवासियों के लिए कड़वी दवा की तरह है जो प्रधानमंत्री ने पिलाई है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाने के लिए ये कड़वी दवा रामबाण साबित हो सकती है। हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।
प्रधानमंत्री मोदी ने जिन सात बातों पर देश का समर्थन मांगा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। दरअसल देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं, जिसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पीएम मोदी की ओर से किया गया। और अब पहला लॉकडाउन जहां 21 दिनों का था आज खत्म हो रहा है, वहीं दूसरा लॉकडाउन 19 दिनों का किया गया है जो 3 मई तक चलेगा। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार। 10,363 अब तक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 339 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वालों की तादाद भी बड़ी है, 1,011, जो कम से कम हिंदुस्तान को बड़ी उम्मीदें दे रही है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स लगातार लगी हुई हैं ताकि कोरोना संक्रमित जो मामले हैं उनको कम किया जा सके और जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। और अब कोरोना की रफ्तार देश में कैसे बढ़ रही है। देश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा जा पहुंचा है, वहीं आज 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बढ़ते हुए मामले जिसको थामना बेहद जरूरी है, लॉकडाउन के बाद इसमें कमी आई थी और इसी वजह से लॉकडाउन को अब आगे 3 मई तक के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल 40 दिनों का ये लॉकडाउन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के साथ ही पीएम मोदी ने गरीबों मजदूरों को मदद पहुंचाने का भरोसा दिया, शर्तों के साथ छूट देने की भी बात की। इसकी गाइडलाइन कल जारी की जाएगी। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लॉकडाउन 2 लागू हो जाएगा कल से और 3 मई तक देशबंदी, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों का आपका साथ बहुत जरूरी है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसी के साथ देश तक में फिलहाल इतना ही।